अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का घर यही है ना सामने वाला रेड वाले। अभी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे में। बात करें यहां से मुजफ्फरनगर शहर की तो वो यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और मेरठ यहां से 43 किलोमीटर दूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो जन्म है वो इसी बुढ़ाना कस्बे में हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पैतृक घर, और उनके परिवार का कोई सदस्य मिलता है तो उनसे बात भी करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ से बुढ़ाना शहर शुरू होता है। भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर किधर है? हाँ एक्सरे जो है ना कौन सी मस्जिद? इमली वाली मस्जिद। जी जी। कितना आगे पड़ेगी? मतलब एक किलोमीटर। ये कौन सा जगह है? ये बड़ा बाजार है। ठीक है चलो, बड़ा बाजार। दोस्तों गली के अंदर तो हम लोग पहुंच चुके हैं। पूरी गली देखो, पहले तो उखड़ी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से हम बाइक लेके आए थे और यहाँ पे हमने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो घर है, अभी ये भाई साहब, इनकी हमने कुंडी खटखटाई थी तो यहाँ के लोगों ने बताया था कि ये उनके करीबी हैं। इनको हमने बाहर बुलाया था तो उन्होंने बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो घर है वो सामने वाला है, वो वाला। एक बार आगे चलते हैं और आगे से दिखाते हैं। अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का घर यही है ना सामने वाला रेड वाले। अभी कोई रहता है यहाँ पे? मैं भी फिलहाल गए हुए हैं, बाहर किसान आदमी है, मतलब खेती बाड़ी करते हैं अपनी, तो इसलिए जंगल वगैरह गए होंगे तो लेडीज नहीं। वैसे तो ये लोग नंबरदार लिखते हैं तो नंबरदार थे ना पहले, नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरा नाम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो वही है ना कि किसान खेती बाड़ी, मतलब जमीन ज्यादा जिस पे ज्यादा होती है तो वही बोलते हैं नंबरदार। अच्छा तो ये कितने भाई हैं? सात भाई हैं। तो यहाँ पे अभी छह भाई रह रहे हैं या मतलब यहाँ पे फिलहाल तीन रह रहे हैं? हाँ मतलब काम से रहते हैं ज्यादातर बाहर। अच्छा और तीन भाई वहीं पे रहते हैं क्या उनके साथ? मुंबई दो रहते हैं, बम्बई में। मुंबई दो रहते हैं, नवाजुद्दीन भाई और एक और एक भाई देहरादून देते हैं। अच्छा समाज भाई नहीं, अभी हमें बताया था वहाँ पे, हमने पूछा था तो कह रहे इनके एक भाई है, उनकी मतलब बेटी अभी पैदा हुई थी उसका इंतकाल हो गया है जिस वजह से अंदर के लिए बोला था। क्या नाम बोला बताया था उनके भाई का? मीनाज भाई, मीनाज साहिद ने, साहिद से बात हुई थी हमारी, साहिद भाई। अच्छा एनीवे अभी अम्मी के साथ में गए हैं अब से दो ढाई घंटे पहले गए हुए हैं। चलिए तो ये है कुछ घर का नजारा यहाँ से। तो ये है कुछ बाहर से घर का नजारा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तनवीर कुरैशी। तो
जहाँ पे अभी हम खड़े हैं पीछे ये जो बिल्डिंग है जी किसकी है? ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है, भाई है हमारे, पड़ोसी हैं। यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ लगभग पांच भाई रहते हैं। हाँ, यानी दो भाई, एक भाई उनके साथ रहते हैं। एक भाई फैजू भाई भी, फैजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, वो भी फिलहाल दुबई में, बॉम्बे में, देहरादून आते जाते रहे हैं। और यहाँ हमारे एरदीन भाई हैं, समाज भाई हैं, और मिनाज हैं, नवाज भाई भी आते रहते हैं। अभी लास्ट बार कब आए थे नवाज भाई? हो गए होंगे लगभग दो तीन महीने हो गए, शूटिंग चल रही है उनकी। अब लॉकडाउन में भी आए थे ना? लॉकडाउन पूरा यहीं रहे अपने परिवार के साथ। देखे थे ना इंस्टाग्राम पे जो खेतों में? जी जी जी, खेतों में जितना भी अपना कार्य करा, सादे हैं बहुत, उनके अंदर कोई बनावट कोई घमंड है ही नहीं, बिल्कुल सोवर जैसे हम हैं, ऐसे हमारे मिलते जुलते रहते हैं कि बैठ के यार दोस्तों के साथ ऐसे। जब आते होंगे तब तो मिलते होंगे ना? हाँ, खूब मिलते हैं, बातें होती हैं, खूब खाना वाना साथ में खाए जाते हैं। ईद पे कभी आते हैं तो ईद पे सिवई खाते हैं सब, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद बराबर में, सभी दोस्तों जितने उनके दोस्त हैं सब। आप लोग साथ में खेले? नहीं, हम तो छोटे हैं उनसे बहुत। हाँ, बहुत छोटे हैं वो हमारे से बड़े हैं। बाकी कोई जैसे वे हम कुरैशी हैं, वो सिद्दीकी हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ना किसी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है, सबसे प्रेम से रहने वाले हैं। कोई आम आदमी उनसे मिलना आता है तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, चाय पिलाते हैं। हाँ, वैसे भी नेचर से लगता है बहुत अच्छे तो नेचर। स्ट्रगल भी तो बहुत ज़्यादा किया जी जी जी, काफ़ी दिनों तक जी जी। खेतों पे जाते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके जो खेत हैं उनमें काम करते हैं, उन्हें अच्छा लगे, ट्यूबवेल पे बैठे गन्ना वन्ना चूसते हैं। जैसे इंटरव्यू हमने उनकी बायोग्राफी में देखा था तो पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, गार्ड की नौकरी भी की थी ऐसा? जी 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 जी, सारे काम किए उन्होंने, बहुत 7-12 साल तक तो बहुत परेशानी के दिन गुजारे। लेकिन तो इनका जो पूरा नाम है वो नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पूरे परिवार ही उनका नंबरदार है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उनके वालिद जो है नवाब, नवाब नंबरदार, वो भी नवाब से रह गए थे, याकूब नंबरदार। हाँ, पूरी उनकी चलती थी, आज भी ठीक है अल्लाह का शुक्र, खानदानी नंबरदार है। हाँ, ये उनके मोहल्ले के जो सबसे बुजुर्ग हैं उनके बेटे हैं इकबाल भाई। हाँ, उनको बहुत मानते हैं जो यहाँ के चौधरी हैं, इनके वालिद बहुत सम्मान करते हैं उनको, आज भी मोहल्ले का जी जी, आज भी उन जी जी जी, आज भी इनके वालिद को ही चौधरी मानते हैं, पूरे मोहल्ले के उसको सम्मान होता है नवाज भाई। ये जो बस्ती है इसका नाम क्या है? इसका काजीवाड़ा मोहल्ला, इसका मोहल्ला काजीवाड़ा है, इमली वाली मस्जिद के नाम से ही मशहूर है। एक बार शायद यहाँ पे वोट भी डाला था उन्होंने कहीं पे, कोई स्कूल था ना तो उसमें मैंने देखा। यहाँ पुरानी तहसील है जो उनका, हाँ, वार्ड नंबर संख्या होती है, वहाँ वोट डाल, वोट डालने आए थे ना जी 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 जी। दोस्तों, अभी शाम के 5:15 हो चुके हैं, यानी 5:15 बज चुके हैं, और हम अभी बुराना शहर से निकल चुके हैं। वैसे तो निकल चुके हैं, पीछे देखो यहाँ पे इतनी दूरी पे बुराना शहर है, और सूरज भी अभी पूरी तरह से छुप चुका है। तो हम भी अभी चलते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का घर देखा, हालांकि अंदर से हम उस घर को नहीं दिखा पाए, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था वहाँ पर हमने पड़ोसियों से बात की थी तो हमें बताया गया कि उनके एक भाई हैं जिनकी मतलब बेटी पैदा हुई थी, तो उसका आज इंतकाल हो गया है, जिस वजह से वो सारे लोग मेरठ में थे, घर पे मतलब कोई जेंट्स नहीं था, लेडीज़ घर पे थी, जिस वजह से हम फिर अंदर नहीं गए और बाहर से हमने घर दिखा दिया। और उनके जो पड़ोसी थे उनसे बात भी की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।